रमेश जी, इससे पहले जो 2009 में चुनाव लड़े थे आपको हार गए थे, लेकिन दोबारा आपको पार्टी ने मौका दिया। इस बार ऐसा कौन सा फैक्टर काम किया कि आप संसद तक पहुंच गए? मोदी फैक्टर उसमें से एक था, कांग्रेस की नालायकियां, कांग्रेस का भ्रष्टाचार, वो दूसरा फैक्टर था इसमें। लेकिन उन सबसे बड़ा था मोदी जी। मोदी जी के ऊपर लोगों ने, देश की 125 करोड़ जनता ने जो विश्वास व्यक्त किया, उससे दिल्ली अछूती कैसे रह जाती जी, वो बड़ा मेजर फैक्टर है इतने मार्जिन आने के लिए। आपकी इलाके की अगर हम बात करें, जिस क्षेत्र से आप चुनकर आए हैं, वहाँ पर आम आदमी पार्टी का काफी दबदबा था, विधानसभा चुनाव में भी वहाँ से सीटें ज्यादा आई, तो आपको सबसे ज्यादा जो चुनौती थी वो आम आदमी पार्टी से अपना जो वोट है वो लेने की थी। क्या ऐसा आपको कहीं लगा कि आम आदमी पार्टी बहुत ज्यादा इस पर टक्कर दे रही है कांग्रेस से ज्यादा? वो कभी नहीं लगा, आपसे मुलाकात नहीं हो पाई आपके चैनल से, लेकिन हाँ सुबह काउंटिंग पे अर्ली द मॉर्निंग आपके चैनल पे मैंने बताया था कि मिनिमम 50,000 वोटों से हमारा मार्जिन रहेगा और दिल्ली की 7 सीटें हम जीतेंगे, इसको अंडरलाइन कर लीजिए, मैंने मैडम से बोला था जी। ये गलत फहमी है, ये भ्रामक प्रचार है। दिल्ली में सीधा सीधा पहले ही दिन से फंडा था अरविंद केजरीवाल का, दिल्ली छोड़कर जाने का मतलब था सीधा सीधा कि वो भ्रष्टाचार की लड़ाई नहीं लड़ रहा, वो फोर्ड फाउंडेशन के पैसे को बचाने के लिए और मोदी जी को रोकने के लिए कांग्रेस के एजेंट के रूप में काम कर रहा है जी। वो दिल्ली के जो अर्बनाइज वोटर थे, जो पढ़ा लिखा वोटर था, वो समझ चुका था इस बात को जी, जो उसके पहले बहकावे वो आ गया था, इसलिए पहले ही दिन से तय था कि दिल्ली की 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी।